गोट लाइन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली आए हुए हैं यही गोट लाइन के ना आप लोग। तो अभी आपकी टीम थोड़ा सा कैसे खेल रही है उसको बताइए आप, उम्मीद जता सकते कि नहीं अभी हाफ टाइम के बाद गोल करेगी कि नहीं करेगी इसको बताइए, ऊपर देखे बताइए ऊपर देखे नाम थोड़ा बता दो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करूँगा। मेरा नाम दोस्तों, तो मैं आपको जैसे कि शॉर्ट ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों, तो आज स्पेशली जा रहा हूँ फिर से गिना बाहर गोटो लाइन, जहाँ पे जैसा फुटबॉल प्रतियोगिता चल रहा है। क्योंकि स्पेशली दोस्तों येस्टरडे मैं कहीं मंदिर गया हुआ था तो ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाया था मैच वाला। फिलहाल दोस्तों आज जाता हूँ और आज जो भी टीम खेल रही है दोस्तों उस टीम के बारे में जानकारी देंगे संडे भी। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं माइकल ग्राउंड और बंगाली बाबू दोस्तों भोजन एवं पानी व्यवस्था अंकित कुजूर और छोटी संडे। आज का जो मैच है उसका शेड्यूल बता दिए दशरथ जी। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू भैया। रोज दिन आप हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़कर पूरे टूर्नामेंट को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और जो लोग दशरथ का YouTube चैनल देखते हैं उसके ब्लॉग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें। और आज का पहला मैच बिग डे, बिग संडे, और संडे हो या मंडे हो रोज खाओ एक अंडे, दो अंडे खाओ, शरीर स्वस्थ रहता है। साथ में आज है सिलेमंडा कुनकुरी वर्सेस AFG घोलेंग के बीच पहला मुकाबला, खेलने के लिए दोनों ही टीम तैयार हो चुकी है। थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों मैं टीम मेंबर से मिलाता हूँ। कौन सी टीम है, नाम बता दो टीम का। सिलेमंडा कुनकुरी। नाम बता दो भाई। प्रदीप फिक्की। मिलन किंदो। सुदीप मीन। करम सिंह। कृष्णा का। संजय त्रिपाठी। नमन। थोड़ा सा जोर से बोलो। सुलचंद। मनबोध। अमृत धनो। आशीष सुदीप। जीवन प्रभु। सुशील तिर्की। थैंक यू भैया, बेस्ट प्लग। कौन सा टीम भाई। एफसी घोलेंग। नाम बता दो जल्दी जल्दी बताना। हमारे बीच हमारी मीडिया प्रभारी, यूट्यूबर, जिनका चलता है उधर तक हमारे साथ जुड़ने की बातें हैं। मैं बेस्ट ऑफ लक लाइव। फिलहाल दोस्तों आज की जो रेफरी पैनल है वो स्पेशली दीपक भैया हैं। हाय बोल दीपक भैया। हाय। थैंक यू भैया। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अभी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, और देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम सबसे पहले गोल करती है। स्पेशली दोस्तों मैं उनसे जाके मिलूंगा और आपसे परिचित कराऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों गोल करते करते बच गया, नहीं तो अभी सेले मंडा एक गोल खा जाता। वाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों गोल पर अपना काम करके दिखाया। फिलहाल दोस्तों काफी समय हो गया लेकिन अभी देखो गोल का मुजारा नहीं हो पा रहा दोस्तों, लेकिन देखते हैं दोस्तों घोलेंग की टीम मुझे लगता है गोल कर सकती है। लेकिन सिलेमंडा की दुकान, सिलेमंडा जो टीम है दोस्तों इस टीम भी मुझे लगता है गोल करने के लिए उत्सुक है, लेकिन देखते हैं दोस्तों कौन सबसे पहला गोल करती है। ओहो, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों बचाया, नहीं तो अभी गोल था। गोल हो गया दोस्तों, पहला गोल करने के चक्कर में नाकाम। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों गोल हुआ। फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम का समय हो गया है और सिलेमंडा का दोस्तों घोलेंग की टीम एक गोल की बढ़त पे चल रही है। फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज दोस्तों स्पेशली मुझे लगता है पहला गोल करने में इनका योगदान है। तो भैया नाम परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है
और आप अपने टीम के लिए पहला गोल में योगदान दिए, हालांकि गोल में तो मुझे लगता है कि पूरा हाथ कीपर का ही है, लेकिन आपका जो योगदान है वो आपकी टीम के लिए कैसा है उसको बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि अभी तक दो तीन गोल मारना चाहिए था पर नहीं सके, मारने ही नहीं पाए। अभी हाफ टाइम के बाद जो भी करामत करना है तो भैया कर लीजिएगा, दो तीन गोल क्या पांच गोल मारिए रेस्टोर भैया। फिलहाल दोस्तों इमरान भाई स्पेशली आए हुए हैं, कहाँ से आए भैया? मैं गठमुंडा से हूँ। गठमुंडा से मैच देखना है, मैच कैसा लग रहा है जी? आप कौन सा टीम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसको बताइए, जो अच्छा खेलेगा उसी के साथ। थैंक यू भैया। तो फिलहाल भैया से मिलिए, परिचय दीजिए, परिचय दीजिए, टीम का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, परिचय दीजिए अपना। तबरेज है। थैंक यू भैया, गठमुंडा से आए हैं। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, एंजॉय कीजिए भैया। स्पेशली दोस्तों मेरा दोस्त मिल गया। मैच कैसा लग रहा है अभी आपको बताइए? अभी अभी आया हूँ पर बढ़िया लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम खत्म हो चुका है और थोड़ा थोड़ा दोस्तों गोलें की टीम और एक गोल करने के लिए बड़ी हुई है, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये दोस्तों दूसरा गोल करते हुए उठाते हुए और 2-0 की बढ़त के साथ की टीम ओपन हार्ट वर्सेस निर्धारण के बीच बेहतरीन मुकाबला और स्कोर करे, लेकिन देखते हैं रक्षक जी काफी मजबूत काफी करीबी मामला। ओ दोस्तों तीसरा गोल करते हुए दोस्तों घोलेंग और शैलमंडा की जो टीम खेल रही थी उसमें दोस्तों मुझे लगता है कि घोलेंग की टीम विजय रही दोस्तों 3-3 पे। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं आप सेकंड मैच का रूप। टीम से हम लोग जो जीत को उम्मीद लेके ही आए थे और टीम के पूरा सहयोग से हम लोग 3 से विजय होकर अपना स्थान थर्ड राउंड में जगह बनाए हैं और अगले राउंड भी हम चाहते हैं कि इसमें टीम की सहयोग से अगले मैच में जीतकर अपने चतुर्थ मैच में स्थान ग्रहण करेंगे। टीम वर्क नहीं होती है तो मैच को जीतना संभव नहीं होता है, और मैं चाहूंगा सम्मानीय हमारे मंचाती और सम्मानित बीएसएफ के कमांडेंट के सहयोग से मेडल और तमाम हमारे टीचर के सहयोग से मेडल प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और धन्यवाद भाई। टीम का नाम बता दो और अपना नाम परिचय दे दो। मेरा नाम अविनाश का सर, बंद्रा का सर टीम। थैंक यू भाई, नाम बता दीजिए। नंद कुमार। थैंक यू। शंकर। अच्छा। योगेश। लोकेश। रावल। विकास। अमित। चिंटू। थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई लोग। तो फिलहाल दोस्तों टीम मेंबर से मिलाता हूँ, नाम परिचय दे दिया। ग्रीन कलर की जर्सी में ऋतुराज। सीनियर कलर नाम ब्लू कलर की जर्सी में हम देख रहे हैं दोनों ही टीम फोर्थ तरफ पैनल पहुंच चुके हैं। इधर जो सेकंड टीम काफी ज्यादा टीम का नाम बता दो, नाम परिचय दे दो, नाम बता दो। थैंक यू। डेविड नायक। थैंक यू। संगीत मेहरा। 3-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच गई है। थैंक यू। दूसरा मुकाबला एफसी जितेंद्र मोर की अच्छा भगत वर्सेस सीनियर कलर। थैंक यू भैया, बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल दोस्तों ये है मैनेजर। हाँ, मैनेजर है। तो आपके टीम सेकंड मैच बिल्कुल जो सेकंड राउंड खेल रही है तो आपके टीम के लिए क्या कहना चाहता है बताइए? तो मेरे टीम के लिए यही कहना चाहूंगा कि जैसा पहला गेम हम लोग फेयर खेले, सेकंड गेम भी फेयर खेलेंगे और हम लोग हमेशा फेयर खेलते हैं, हमेशा जानसा का नाम रहा है हमें शांति के लिए और अनुशासन के खेलने के लिए। बेस्ट लक भी आपके टीम के लिए। और
युवाओं को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और वे परिचय लेते हुए साथ में हमारे छोटे भाई अमित गुप्ता, हमेशा फुटबॉल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में उनकी उपस्थिति होती है, साथ में सुनील अग्रवाल जी, जब भी हमें सहयोग की आवश्यकता होती है हम उन्हें याद करते हैं। साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अनिल धानसुन जी, नेशनल फुटबॉल खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए। और मैं बता दूं, ब्लू कलर की जर्सी में हम देख रहे हैं सीनियर क्लब बंद्रा खसरा की टीम और ग्रीन कलर की जर्सी में देख रहे हैं एफसी शाम शुमा की टीम। बेहतरीन मुकाबला, टॉस की प्रक्रिया होगी। 10 नंबर की जर्सी में जामचुमा टीम के कैप्टन आदर काफी बेहतरीन फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज देखते हैं उनके साथ। फाइनल दोस्तों, मैच स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, ये ब्लू कलर की जो जर्सी है ये पहले गोल करती है, या ये ग्रीन कलर की जो जर्सी है ये गोल करती है। दोनों टीम में दोस्तों कौन सबसे पहले गोल करेगा उसको मैं आपको स्पेशली जाके परिचय भी कराऊंगा जो गोल करेगा उस सदस्य से। फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे बन में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों बचेगा नहीं तो ये गोल भी हो जाएगा जमचो के टीम की तरफ से। बच गया दोस्तों, नहीं तभी पहला गोल हो जाता। फिलहाल दोस्तों अभी हाफ टाइम हो चुका है, लेकिन कोई ऐसा टीम दोस्तों गोल नहीं कर पाया, लेकिन देखते हैं दोस्तों हाफ टाइम के बाद क्या होता है। फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतजार कीजिए। ओहो, लेकिन काफी मोटे करके और यहां पर चांस बढ़ता हुआ, लेकिन फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम का टाइम समाप्त हो चुका है। अब गेम स्टार्ट हो गया दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम पहले गोल करती है। अरे यार, नहीं तो अभी गोल हो जाता दोस्तों, अब भी थोड़ा सा गोल हो गया दोस्तों पहला गोल करते हुए। एक जो रोक के बढ़त पे दोस्तों बंद्रा खसरा की टीम, क्योंकि जामचुमा की टीम थोड़ा सा मिस कर गई और मुझे लगता है कि अब विजय भी होगी बंद्रा खसरा की टीम, क्योंकि सिचुएशन दोस्तों ऐसा नहीं क्रिएट हो रहा है कि जामचुमा की टीम कुछ करके दिखाए, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मैच है, कुछ भी कर नहीं सकते। फिलहाल दोस्तों देखिए क्या होता है। बच गया दोस्तों, नहीं तभी दूसरा गोल हो जाता। अरे दोस्तों, अरे 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 दोस्तों, अरे यार बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों खेला गया। वाह, बहुत मजा आ रहा दोस्तों। टीम का नाम बता दो, नाम परिचय दे दो। जे आर जी टी ग्रोटा लाइन जूनियर। पहले आप और कौन सी मैच खेले जाएंगे? कैप्टन सरेटोली जूनियर टीम वर्सेस कैप्टन नाम रॉबर्ट किसपट्टा है जूनियर टीम ग्रोटा लाइन। थैंक यू जबरदस्त सुबह का पारा। थैंक यू मॉर्निंग का नवा टोली। थैंक यू अनुज। तीसरा मैच जेएससी। थैंक यू थैंक यू सौरभ। ये शिखर राउंड का मैच चलता हुआ। हाय, मैं प्रतीक बेस्ट ऑल बाय लॉक अपना मैच जीत रही है। हां जरूर जरूर। फिलहाल ये है दूसरा टीम और फाइनल का मैच। टीम का नाम बता दो और नाम परिचय। जसपुर फतेहपुर चिराग। नाम चिराग। थैंक यू भाई। रोहित भगत। थैंक यू। नाम थोड़ा बता दो। शांत। थैंक यू। नाम बता दो। थैंक यू। नाम अर्पित भगत। संतोष कुमार। बेस्ट ऑफ लक भाई लोग। थैंक यू। Thank you.
फाइनल दोस्तों मैच स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों फतेहपुर की टीम विजय बोले तो सबसे पहले गोल करती है या जूनियर क्लब की टीम पहले गोल करती है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं पहला गोल दोस्तों फतेहपुर की टीम करते हुए। दूसरा गोल दोस्तों स्पेशली फतेहपुर की टीम करते हुए। अब दोस्तों मुझे लगता है मुश्किल सा हो गया है गोटो लाइन जूनियर टीम को। तो फिलहाल अभी देखते हैं दोस्तों क्या कर पाती है दूसरा बोले तो अभी जो सिचुएशन है दोस्तों क्या कर पाते देखते हैं। हाफ टाइम हो गया दोस्तों और 2-0 की बढ़त पे है फतेहपुर। तो फिलहाल दोस्तों फतेहपुर की टीम मेंबर से पूछता हूँ कौन कौन से प्लेयर्स गोल किए हैं। भाई लोग कौन कौन गोल किए हैं पहला और दूसरा गोल आपके टीम के लिए गोल किया आपको भी कैसे लग रहा था? अभी तो मैच पूरा बचा ही है तो अभी तक नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी अपोजिट टीम भी बहुत मेहनत करेगी और आगे बढ़ना चाहेगी तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और स्कोर करके थर्ड गेम में बने रहे। थैंक यू भैया। फिलहाल दोस्तों मैं सेकंड प्लेयर जो गोल मारे उससे बुलाता हूँ परिचित चिराग। आपकी टीम के लिए आप दूसरा गोल किया आपको कैसा लग रहा है भैया सोते हैं? अच्छा फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है अभी और मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी। थैंक यू भैया तो बेस्ट लग भैया। थैंक यू। फिलहाल दोस्तों इधर है फतेहपुर की टीम और इधर है जूनियर क्लब गोटो लाइन। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर गोटो लाइन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली आए हुए हैं यही गोटो लाइन के ना आप लोग। तो अभी आपकी टीम थोड़ा सा कैसे खेल रही है उसको बताइए आप। उम्मीद जता सकते कि नहीं अभी हाफ टाइम के बाद गोल करेगी कि नहीं करेगी इसको बताइए। ऊपर देख के बताइए। उम्मीद जताया जाता है कि गोल कर सकते हैं क्या? थैंक यू। आपके ऐसे ही सहयोग से मेरे को लगता है ऊपर जाएगा आपकी टीम। थैंक यू। हाफ टाइम दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों जूनियर क्लब गोटो लाइन की टीम क्या कर पाती है फतेहपुर की टीम को क्योंकि फतेहपुर दोस्तों 2-0 की बढ़त पे है। तो फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों बहुत जल्द गोटो लाइन की टीम को गोल करेगा और बराबरी करेगा तो मुझे लगता है सहूलियत मिलेगा दोस्तों टीम में बने रहने के लिए और आगे खेलने के लिए। तो फिलहाल अभी तो मुझे लगता है दोस्तों देखते हैं मैच को। फिलहाल दोस्तों तीसरा गोल मारते हुए फतेहपुर की टीम बहुत बेहतरीन दोस्तों दूर से किक किया और इस गोल को दोस्तों मैं अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा दूर से ही किक किया दोस्तों तो ऑसम दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आप लोगों ने दिखा पाया थोड़ा सा मुझे नहीं आया। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और ये बिल्कुल एक इजी गोल और इस तरह चार छक्के की दोस्तों चौथा गोल करते हुए। अच्छा खेले तभी इतना गोल हो पाया अगली बार और अच्छा खेलेंगे और इसको होगा जो मिस कर दिए वो नहीं होना चाहिए था बहुत सारा गोल हम लोग मिस कर दिए अगली बार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूँगा मैन ऑफ द मैच कई बैटर है जी हां कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद सम्मानित किया जाएगा तमाम जितने भी सम्मानित हमारे अतिथि हैं मैं जो पॉलिटिकल शॉप का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
फिलहाल दोस्तों आज का मैच हुआ समाप्त दोस्तों, और जो भी जो दोस्तों हालांकि वो सब सारा चीज़ दिखाया और बताया। तो फिलहाल दोस्तों मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा अगला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।